वेलकम टू सेम गेमिंग कस्टम एच 4K एंड आज का हमारा इरेंगल का मैप है। फुल लॉबी है हमारी 100 की आज इरेंगल के मैप में। 25 टीम्स एंड फुल लॉबी। टीम एच 4K जो टीम नंबर 1 में है, हमारी खुद की ही टीम। सेकंड पे आती है टीम एमटी, टीम सोस, वैनम, बीबी, मेजर, टीम ओपी, ओपी रेड क्रॉस, टी डब्ल्यू, नाग, एरर, टू लेट, क्लो एंड और भी टीम्स हैं हमारी। टीम एरर की टीम, टीम होप, टीम रेज, टीम मैग्नम, टीम डेविल्स, टीम सीएचबी, टीम नाग, टीम स्टॉर्म, टीम माफिया, टीम बांगी एंड टीम फोनिक्स। प्लेन पाथ हमारा जा रहा है प्रीमोस की ओर से सवर्नी की ओर, और देखते हैं कौन सी टीम्स आज ड्रॉप लेने वाली है प्रीमोस की, क्योंकि 3 डिफरेंट टीम जो अपने ड्रॉप चेंज करके प्रीमोस जाती दिखती हैं हमें ज़्यादातर। जी हाँ, अभी फ़िलहाल टीम नंबर 19 की टीम जो है, टीम रेज, हल्क गॉड एंड डेविल्स के निक एसपीएस वाले, वो प्रीमोस में जंप ले लिए हैं। एंड टीम सोस जो कि मैंने बोला था ड्रॉप चेंज करके वहाँ पर टीम्स जाती हैं, जैसे कि टीम सोस का जो सिटी ड्रॉप है वो ले रही है प्रीमोस ड्रॉप। तो यहाँ पर 4v4 फाइट इनकी एक इंगेज होने वाली है टीम रेज के प्लेयर्स से। टीम ओपी की टीम ओपी गब्लू, सोहन, टिट्टू एंड आदि यहाँ पर छोटे छोटे कंपाउंड्स लूट करेंगे वो एरिए के। हो सकता है व्हीकल लेके वो जो सिटी की ओर कैरी कर जाएं। टीम टूलिट एंड टीम बीबी दो टीम्स यहाँ पर, टीम टूलिट की टीम फेरेपियर एंड टीम बीबी की टीम आगे जाना चाहेगी वो मिलिट्री बेस व्हीकल के लिए जा रही है। वो टीम वैनम अपने ही ड्रॉप पे हमेशा की तरह जाती है फार्म के एरिया लूट करने के लिए। टीम फोनिक्स ने आज ड्रॉप लिया है हमारा पोचिंग की के अंदर। पोचिंग की में हमारा और स्क्वाड, एक और स्क्वाड टीम नाक का आया है इधर। टीम सीटीआर के प्लेयर भी उधर टर्मिनेट हुए हुए हैं एंड और हमारे टीम रेज के प्लेयर्स उनके काफ़ी करीब वाले कंपाउंड लूटेंगे। दैन टीम एमटी आज स्कूल की ओर कैरी कर रही है फिलहाल अभी, एंड स्कूल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है टीम रेड क्रॉस। टीम एमटी को पीछे वाले ड्रॉप लूट करने होंगे। टीम रेज का मैन स्क्वाड अपने वही जो वाटर सिटी का एरिया लूट करेगा। टीम होप के प्लेयर्स व्हीकल पिक करके वो जाएंगे इधर उधर जहाँ भी जाएँ। टीम स्टॉर्म के प्लेयर्स आ चुके हैं हमारे एक जॉर्जो सिटी में। टीम मैग्नम के प्लेयर्स भी उसी सिटी में आगे की ओर ड्रॉप लिए हैं। TSM एंटिटी जोनाथन किलो बाबा को डाउन करते हुए, किलो बाबा की ये फाइट आई थिंक हो रही है इस सिटी में। जी नहीं, ये भी एक अलग फाइट, टीम एमटी के प्लेयर को डाउन कर दिया है उधर। नबी जॉर्जो में हो रही है फाइट, नबील ने डाउन किया था एंटिटी जोनाथन किलो बाबा को फिनिश ऑफ करते हुए। यहाँ टीम नाग में खेल रहा है ये प्लेयर एंटिटी जोनाथन किलो हंक ने पोपट लाल को डाउन कर दिया उन्हीं के प्लेयर को, एंड यहाँ पे अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए जोनाथन। लेट्स सी किस तरीके से डील करते हैं टीम क्लो के प्लेयर। 3-man स्क्वाड है और ये 4-man स्क्वाड के साथ रहेगा। क्लो के क्लाइन थोड़ा आगे की ओर आए थे, क्लो के हंक एंड क्लाइन लगाए हैं इधर। एंटिटी जोनाथन हंक को डाउन करते हुए एक्सपर्ट पीछे से फ्लैंक करके आए हैं। क्लाइन ने जोनाथन को डाउन किया था बट गो करोना उनको भी डाउन करेंगे। लास्ट प्लेयर लास्ट ऑफ टीम क्लो की बस्ती है एक्सपर्ट जो डाउन करेंगे विनोद करिए को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करते हुए। उनके पास एक फर्स्ट एड जरूर है उसको पॉपिंग करने के बाद, अगर वो रिवाइव देना भी चाहे अपने प्लेयर को तो जा सकते हैं उधर रिवाइव देने के लिए। गो करोना तो उनको क्लाइन को तो रिवाइव नहीं होने देंगे। लेट्स सी हंक का क्या रहता है इधर, एक्सपर्ट की तरफ से क्या मूव देखने को मिलेगा क्योंकि जोनाथन को उधर रिवाइव दे दिया गया है। टीम क्लो किस तरीके से डील करती है ये सिचुएशन अब आगे को, और जोन हमारा बन चुका है। अगेन हमारी ये फाइट चल रही है, एक्सपर्ट ने किलो एक्सपर्ट ने गो करोना को भी नो कैन फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम नंबर 11 के दो प्लेयर्स बचते हैं, हंक ऑलरेडी डाउन अप पड़े हुए हैं। जोनाथन अब क्लोजिंग करेंगे थोड़ा, एक्सपर्ट उधर स्मोक करके पीछे जा चुके हैं अपने प्लेयर को रिवाइव देने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। क्या है ऐसा जोनाथन का एक स्प्रे जाने वाला है इनके AKM का। फिलहाल एक्सपर्ट का एक अच्छी कोशिश जो कि अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए बहुत ही अच्छा यहाँ से अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फिलहाल निकलेंगे। लेट्स सी कब तक वो निकलेंगे, रिवाइव तो वो दे देंगे, हील करने का मौका देगा नहीं देगा ये प्लेयर जोनाथन। लेट्स सी पोपट लाल उनके बहुत ज़्यादा दूर हैं, यहाँ पर हंक रिवाइव हो रहे हैं तो 1v2 सिचुएशन में आती हुई है फिलहाल जोनाथन। जब तक वो पोपट लाल उनको कवर नहीं देंगे जोनाथन पूरे स्पोर्ट हो चुके हैं। एक्सपर्ट TPP लिए खड़े हैं, हंक पीछे से दूसरी साइड से TPP लेंगे जोनाथन पूरे ओपन में एंड एक्सपर्ट का जाता हुआ उनके ऊपर स्प्रे नोक देते हुए देन
फिनिश होप देने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाने वाले। फोन एक्स के जैरो पे मिस्टर सोलो लीवर को डाउन करते हुए टीम नाक का वो प्लेयर पोपट लाल सामने आते हुए DP28 का स्प्रे उन्होंने डाउन किया है उधर। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट की UMP 45 बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है के पास मात्र 44 MO बची हैं। थॉमसन की 33 MO बचती हैं उनके पास। हंग के पास UMP 45 उनके पास भी है। एक सोलो गन है उनके पास। जी हाँ बिल्कुल एंटिटी जोनसन को फिनिश अप जरूर करना चाहेंगे वो। ऑल पे माइक करके कोई बंदा बोल रहा है उधर। वैनम के साथ ने होप के ब्लन को डाउन कर दिया। टीम होप के प्लेयर ऑफ गार्ड पकड़े गए रोटेशन के टाइम। लूट करने के लिए रोटेशन थी ये टीम। वैनम के प्लेयर उनको ऑफ गार्ड पकड़ते हुए सैजी एक प्लेयर को डाउन करते हुए हंटर को एंड साथ फिनिश ऑफ करते हुए ब्लन को टीम वैनम के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। टीम होप के प्लेयर्स को दो किल्स उनके ले लिए गए हैं होप के एंड दो प्लेयर्स उनके निकल चुके हैं। फार्म का एरिया ही लूट कर रहे हैं तो इनकी फाइट भी ज़्यादा दूर नहीं है बनती हुई दिख रही है। लेकिन स्टार्टिंग से फाइट चल रही है टीम रेड क्रॉस की टीम के साथ। वो फिनिश ऑफ होते हुए स्कूल के अंदर आया था वो स्क्वाड हमारा टीम MT का स्क्वाड। दो किल्स नबील दो किल बादशाह उठाते हुए अपार्टमेंट में इन्होंने पुश किया था स्कूल लूट करने के बाद। स्कूल में अभी भी इनके आशीष मौजूद है। चार किल्स होते हुए टीम रेड क्रॉस के ऊपर एक अच्छा गेम प्ले टीम रेड क्रॉस का भी रहा। मेजर एंड टीम WTS नया पोलिया ने गई है। टीम माफिया आज स्टेलबर के एंड कमिश्की के बीच के कंपाउंड लूट कर रही है एंड इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्वाड्स देखने को मिल रहे हैं हमें। टीम नंबर 25 जो कि हमारी टीम फोनेक्स के प्लेयर्स हैं वो गए हैं हमारे बोचिंग की के अंदर। जहर ओपी ने एक प्लेयर नोक एंड फिनिश ऑफ किया था बट अपोनेंट में मिस्टर सोलो लीवर भी एक अच्छा नोक निकाला है उधर जिसके चलते उनके ऊपर पुश भी आया है। देन अब वो नोक होते हुए फोनेक्स के स्काई उन्हें डाउन जहर ओपी नोक करते हुए फिनिश ऑफ भी करते हुए इंसिडेंटली सीडी अरवाइन ऑफलाइन खड़ा हुआ है वो प्लेयर। टीम एनर की गर्ल्स टीम जो आज खेलने के लिए आई है वो यहाँ से क्लोज इन करेगी। टीम CTR के प्लेयर इटाची एंड गबरू ओपी डाउन हो चुके हैं। टीम स्टॉर्म के प्लेयर ने अकेले आदित्य ने यहाँ पर पूरी टीम फिनिश ऑफ कर दी है। ओपी गेम प्ले इस प्लेयर का टीम मैगनम को पूरा फिनिश ऑफ किया है आई थिंक इसने। यहाँ एक बार चेकअप कर लेते हैं। यहाँ टीम मैगनम फिनिश ऑफ हो चुकी है बाय टीम स्टॉर्म। आदित्य अकेला प्लेयर 1v4 करता हुआ। यहाँ दो प्लेयर डाउन पड़े हुए थे उसके डैमेज तो जरूर डील किया दिया होगा उधर दूसरे प्लेयर्स ने भी बट यहाँ पे किल्स आते हुए चारों एक ही प्लेयर्स पे ओपी गेम प्ले स्टॉर्म आदित्य का रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल। दैन टीम ओपी भी उधर लूट कर रही है। टीम भांगी इस सिटी में थी वहाँ से फॉलबैक कर रही है। टीम CHB ऑलरेडी इस सिटी में है। टीम H4K भी इसी सिटी में लूट कर रही है। जी हाँ यहाँ पे बहुत सारी टीमें टीम H4K एक उन्हीं के काफ़ी करीब। यहाँ पर टीम 15 के दो प्लेयर्स लूट कर रहे हैं खलनायक एंड अनस चौहान एंड दो प्लेयर्स पीछे हैं एरर टॉक्सिस एंड वैनम यानी कि चारों ही प्लेयर्स एक दूसरे के बाद लेकिन एक ही अपार्टमेंट में टीम H4K मौजूद है। टीम सोस की एक फाइट होती हुई रेज की टीम से प्रीमोस के अंदर। टीम रेज के प्लेयर्स को काफ़ी डाउन किया एंड फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सोस पूरी रेज के स्क्वाड को लेकर जाने वाली है इधर। जहाँ डेविल्स के निक को भी नो कैन फिनिश ऑफ दे दिया गया इंस्टेंट। इधर नेट्स हो रहे हैं वो नेट गिरता हुआ अनस चौहान का H4 के डेंजर के ऊपर उधर पुशिंग हो सकता है। हेल्क ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं गोड अकेले बचे हुए हैं। डोरू ने दो किल्स नो कैन फिनिश ऑफ निकाल दी है। टीम सोस के प्लेयर्स अपनी एक फाइटिंग एज कर चुके हैं। लेट्स सी उधर टीम H4K पे पुश ऑफ होता है कि नहीं क्योंकि डेंजर ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं। डेंजर रिवाइव अप हो रहे हैं। टीम 15 के प्लेयर्स थोड़ा चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। नीचे की ओर एक प्लेयर शायद उनका आया हुआ है। यहाँ चार्जिंग होता हुआ है इधर। टीम H4K के वैम्पायर को डाउन कर दिया गया है। अनस चौहान डाउन करेगा उसको। दैन देखते हैं वो प्लेयर अब रिवाइव मुश्किल हो पाएगा क्योंकि पुशिंग आ चुका है चारों ही प्लेयर्स का। एक ग्रेनेड जाता हुआ है यहाँ पे कुक ग्रेनेड। आर्या नीचे खड़ा हुआ है। आर्या किस तरीके हील करता है ये सिचुएशन। ऐसी AKM है उसके पास ऊपर की ओर आ चुका है वो भी। यहाँ एक पुश होता हुआ ग्रेनेड आता हुआ उनका। ये H4K डेंजर का एक प्री ग्रेनेड बहुत ही अच्छा काम करता हुआ। एरर वैनम को डाउन किया है उसने एंड एक प्लेयर उनका डाउन हुआ है वो नीचे जा चुका है पूरा। एरर टॉक्सिस उसको रिवाइव दे रहा है। ये यहाँ पे पुश अप रोका है इस डेंजर की। इस ग्रेनेड ने एक पुश रोका है। पोपट डाल को भी फिनिश अप कर देगा क्लो एक्सपर्ट। टीम क्लो डुओ मैन स्क्वाड के साथ जोड़ जो पुल से अब जाने वाली है। यहाँ टीम RR के प्लेयर से फाइट हो रही है। चारों ही प्लेयर्स अब वैनम भी रिवाइव अप हो चुके हैं। टीम H4K ऊपर की ओर हिल कर बैठे। H4K विल अनस चौहान उनको डाउन करते हुए एंड इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करते हुए बाकी तीन प्लेयर किस तरह डील करें। खलनायक आए हैं अपनी UG लेकर। यहाँ आर्या यहाँ पे पीछे जंप पैरन डम कर चुके हैं। वैम्पायर ने खलनायक को डाउन कर दिया है पीछे जंप करके बहुत ही अच्छा। यहाँ पे वैम्पायर का एक और जंप बैठता हुआ इधर थोड़ा डाउन किया था। इधर लोक भी होंगे वैम्पायर डेंजर किस तरह खलनायक को नोक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया। आर्या डाउन होंगे। टीम एरर के प्लेयर्स अभी भी तीन प्लेयर्स बचे हुए हैं। डेंजर अकेले बचे हुए हैं।
टीम एच फोर के हैं, यहाँ से हमें फिनिश ऑफ देखने को मिलेगी क्योंकि एक ही प्लेयर बचा हुआ है 1v3 कंडीशन में और उसके पास हीलिंग भी अभी नहीं है, फर्स्ट एड पॉपिंग हो रही है फिलहाल 1v3 सिचुएशन में, ये फर्स्ट एड तो लग जाएगी लेकिन बाकी का गेम प्ले कैसा रहता है हम देखने को मिलेगा। एरेटॉक्सिस आ चुके हैं, लूट कर रहे हैं एरेटॉक्सिस उनके सामने वैम्पायर, नीचे से वो ज़्यादा कॉल भी नहीं दे सकते। 1v3 सिचुएशन आ चुके हैं उनके ऊपर पोशन या डेंजर के ऊपर आ चुके हैं तीनों ही प्लेयर्स, गन लोड करते हुए 1v3 यहाँ पर डील करते हुए यूजी निकाली, उन्हें स्विच करने में टाइम लगा है टीम आर के प्लेयर्स, एक प्लेयर अपना खिलाए खो के टीम एच फोर के को फिनिश ऑफ करते हुए। टीम सीएचबी ऑलरेडी जोन यहाँ से जोन के लिए निकल जा चुकी है, टीम रेज के जो दो प्लेयर्स हैं वो वहाँ से फॉल बैक कर गए हैं, शायद रेज के गोड ने जी हाँ रिवाइव अप नहीं दे पाए हल्क को भी, तो वहाँ से अपना सोलो प्लेयर वहाँ से फॉल बैक करता हुआ दिखेगा। टीम सीटी आर गबरू ओपी जो एक ओपी गेम प्ले उसका से ही रहा है, टीम स्टॉर्म के लिए खेल रहा है वो आज फिलहाल, टीम स्टॉर्म कह देते हैं, रेज के हिटमैन को फिनिश ऑफ कर दिया है, रेज के फ्लैश को भी स्टॉर्म के रोबो ने फिनिश ऑफ किया, देन टीम रेज पूरी की पूरी फिनिश ऑफ होती हुई एलिमिनेट होती हुई, फर्स्ट टीम ऑफ टीम रेज, देन सेकेंड टीम का एक प्लेयर रेज गोल्ड बचता है। आर टीम रेज का थोड़ा दिन इतना अच्छा नहीं देखने को मिला, एक फाइट पहली ही फाइट में टीम रेज यहाँ पर फिनिश ऑफ देखने को मिली, 19 टीम 64 प्लेयर्स हमारे बचते हुए अभी फिलहाल, फाइट्स हमारी लगातार चलती रहेंगी पूरी 100 किलो भी में। ये बात है टीम एरर की, टीम एक फाइटिंग गेज करती हुई, टीम फोनिक्स के प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं एरर के एक पीरियड, डोमिनिक लीड को डाउन किया हुआ है, एरियल को ऑलरेडी फिनिश ऑफ नो कैन फिनिश ऑफ कर दिया, टीम फोनिक्स के दो ही प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से फाइट डील कर रहे हैं जी हाँ, दोनों ही प्लेयर्स ने अभी तक दो ही प्लेयर्स को एक को नोक एंड फिनिश एंड एक को नोक दे चुके हैं। वैन हेडा ऊपर की ओर जंप कर गई थी, उधर रिवाइव अप देने के लिए गई है वैन हेडा, एंड फोनिक्स का जहर ओपी चार्जिंग करते हुए नज़र आ सकता है हमें, टी डब्ल्यू जोकर ओपी का एक गिन एंड मेजर हमाद को डाउन करता हुआ, क्या वहाँ से पुशिंग करती नज़र आएगी टीम टी डब्ल्यू जी हाँ बिल्कुल, अमान को फिनिश ऑफ भी कर दिया टी डब्ल्यू, निंजा ओपी के इस ग्रेनेड एक M4 के स्प्रे ने वैन हेडा ने रिवाइव एक अच्छे तरीके से रिवाइव दिया अपने प्लेयर को, सेकंड इस यहाँ पर प्लेयर ड्रॉप टीम यसनाया में ही आता हुआ, सिटिया गबलू ओपी ओपी गबलू को डाउन करते हुए, मेजर अमान ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, हमार डाउन पड़े हुए हैं, सवाले एंड जैद किस तरीके से डील कर देंगे सिचुएशन, या हमाद को रिवाइव दिया जा रहा है, चार्जिंग उनका आ सकता है, टीम स्टॉर्म के प्लेयर भी इधर फाइट एक और इंगेज करते हुए, टीम ओपी उनके ऊपर पुशिंग की थी, ओपी का गबलू एंड आदि दो प्लेयर डाउन है, बिट्टू एंड सोन बचते हैं, बिट्टू का स्प्रे जाता हुआ, बिट्टू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो हैं, बिट्टू भी डाउन होते हुए बहुत ज़्यादा लो हील में थे वो, देन अकेला प्लेयर बचता हुआ है सोनू, वो किस तरीके से डील करता है, अब सोनू थोड़ा क्लोजिंग करके आया, सी टी आर गबरू ओपी को नोक एंड फिनिश ऑफ देके जाएगा अपनी ए के एम से जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा गेम प्ले फिलहाल ओपी सोनू का रहा, सोहन का रहा है, टाची रोबो एंड एक प्लेयर आदित्य, तीन प्लेयर बचते हैं, गबलू को रिवाइव देने का ट्राई करेगा, इधर सोहन उसकी ओर गया है, इधर एक स्मोक किया गया है, टीम स्टॉर्म के प्लेयर्स चार्जिंग करते नजर आएंगे कि नहीं, टीम टी डब्ल्यू के प्लेयर कुछ इन कर चुके हैं, मेजर के सलेह को नोक करते हुए फोनिक्स के जहर ओपी, टीम एरर को पूरा ही पूरा इधर से एलिमिनेट कर दिया है, टीम फोनिक्स के दो ही प्लेयर्स ने तीन प्लेयर्स को, लेकिन प्ले जोन से फिनिश होते हुए फोनिक्स के जहर ओपी हिल ज़्यादा काम थे उनके, ओपी सोहन का ओपी के यहाँ पे काम देखने को मिला हमें, बट वो यहाँ से नोक देखेंगे स्टॉर्म रोबो की ओर से, अब गबलू किससे ये डील करते हैं जो हिल हुए थे, आदित्य उनको फिनिश ऑफ करते हुए पीछे से आके, टीम स्टॉर्म टीम ओपी ने एक अच्छी फाइट ली, यहाँ पर सोहन का बहुत अच्छा गेम प्ले रहा, लेकिन टीम स्टॉर्म यहाँ से पूरी फाइट खत्म करती हुई 11 किल्स उस टीम के हो चुके हैं। टीम टी डब्ल्यू ने भी टीम आर के ऊपर जो चार्जिंग किया था सोलह को डाउन किया था, वो मिर्जा जैद ने निंजा ओपी को डाउन किया है, बट हमार डाउन हो चुके हैं, जैद अकेला बचता हुआ, एक और प्लेयर डाउन करता हुआ जैद, बट दो प्लेयर उनके ऊपर चार्जिंग किए हैं, तो टीम मेजर यहाँ से फिनिश ऑफ देखेगी, यहाँ टीम मेजर फिनिश ऑफ हो चुकी है, टीम प्रिंस टीम टी डब्ल्यू दोनों किए हुए थे उनके बोरी में होते हुए, टीम मेजर के प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए 16 पोजीशन में 15 टीम्स बचती हैं, हमारी टीम बी भी अपनी पहली फाइटिंग एज करती है, टीम ओपी की टीम से एक प्लेयर को उनका फिनिश ऑफ कर चुकी है ऑलरेडी, एंड स्टॉर्म यू भी ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं, क्रशर लो हैं, तो इधर ही वो अपने आप को हील अप करेंगे, सेक्सी बाबा एंड ड्रैकला थोड़ा क्लोजन में जा चुके हैं, इधर विशाल ओपी स्टॉर्म यू भी ऑलरेडी डाउन है, विशाल ओपी को काफ़ी लो किया गया है ऊपर की ओर, यहाँ पे ये मोली बहुत जाती जाएगी, बबीता जी की ये नेट विशाल ओपी को डाउन करता हुआ, सी एच बी नमन प्ले जोन से डाउन होते हुए बबीता जी पूरी टीम यहाँ पे फिनिश ऑफ देखने को मिलती है, हमें टीम बी बी की मोली एंड ग्रेनेड से ही एक अच्छा गेम प्ले, पहली ही फाइट बहुत अच्छे से निकाली सी एच बी के नमन जो आई थिंक ऑफलाइन थे, यहाँ वो ऑफलाइन थे, देन वो नोक हुए हैं प्लेन उनसे एंड फिनिश ऑफ भी होंगे, अपूर्व ओपी एंड निखिल बचते हैं, वेजिटो उन्होंने ऑलरेडी एक फाइट में खो दिया था, रेस के जो गुड सोलो बचे हुए हैं अपनी टीम के लिए सर्वाइव कर रहा है बहुत टाइम से, टीम सोस का प्लेयर्स उसके सामने होगा अजीत, उसकी ओर ज़रूर उसका ध्यान रहने वाला है,
टीम सोस को यहाँ से व्हीकल नहीं मिली थी, एक बग्गी के सहारे दो प्लेयर्स जा रहे हैं जोन में, बाकी उनके प्लेयर्स बाय फुट फुट जा रहे हैं। वैनम के प्लेयर्स ने एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है अपने अपने ही ड्रॉप लोकेशन पे। EWM गिरोजा विद लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट। टीम वैनम के प्लेयर्स ऑलरेडी 3 किल्स ले चुके हैं। जो टीम होप के वो किल्स लिए हैं उन्होंने, टीम होप का एक सोलो प्लेयर आई थिंक बचा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, जो वैनम से बच के गया हुआ था वो वाई वाटर अभी सर्वाइव कर रहा है। फिलहाल टीम टोलिट की टीम स्नाया पोलियाना लूट कर कर आ रही है, वो एंड जोन में रोटेशन डालेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड बाकी टीम्स भी जोन में रोटेशन डाल रही हैं। हमारी टीम बांगी की टीम इधर लिपोबगा में जा चुकी है, रोटेशन के वक्त उन्होंने काफ़ी लंबा रोटेशन डाला जोर जोर से लिपोबगा टीम। माफिया की टीम स्टालवर के कासल कंपाउंड लूट के आई है, तो वो इजी वे में वहाँ पर आते हुए। टीम टॉयलेट की टीम यहाँ पर थोड़ा देरी जो कर रही है, ये गलती हो सकती है उनकी, वहाँ ब्रिज कैम के लिए टीम्स आ सकती हैं, फिलहाल नहीं है, ये चेक करना चाहिए उन्हें जाके। MK14 में लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट के साथ आते हुए हमारा ए एयर ड्रॉप नंबर 4 जो कि नॉर्मल ड्रॉप नंबर 3 हमारा टीम क्लो के प्लेयर्स 4 किल्स ले चुके हैं। यहाँ पर चारों ही किल्स एक्सपर्ट ने लिए हैं, 1v4 किया था इसने पूरी ही टीम को, 1v1 करके हंग ऑलरेडी डाउन पड़े हुए थे जब 2 किल्स लिए, दैन 2 किल्स हंग के मौजूदा हालत में उन्होंने 2 किल्स वो निकाले। टीम वैनम ने जो फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है उसकी ओर कैरी कर रही है टीम क्लो, यानी वो पीछे रुकेगी यहाँ पे। क्लो के हंग एंड एक्सपर्ट दोनों ही प्लेयर भाई बग्गी जा रहे हैं इधर। टीम सोस के प्लेयर्स जो अजीत को यहाँ पे बग्गी मिली, जी नहीं अजीत को नहीं मिली थी, ये काम एग्री कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को जोन में निकाल रहे हैं जोन से। फिलहाल एक व्हीकल की ज़रूर तलाश रहने वाली है। सेकंड जोन हमारा शुरू हो गया है, क्लोज जोन स्टार्ट हो गया है, थर्ड जोन हमें जल्दी ही दिखेगा। टीम TW के प्लेयर्स आते हुए रोटेशन डालेंगे, वो भी ऐसा थोड़ी ही दूर में जोन में। टीम रेड क्रॉस के प्लेयर्स यहाँ पर आशीष स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी उनकी टीम, जी हाँ बाकी उनकी टीम जा चुकी है वहाँ से रोटेशन डाल रही है। वो फिलहाल एक नबील, आयरन मैन एंड बादशाह के साथ तीनों प्लेयर्स, 2 किल्स हैं नबील के पास एंड 2 किल हैं बादशाह के पास। ये टीम, ये 4 किल्स टीम MT के हैं। यह टीम सोच जो कि रोटेशन डाल रही थी, अब जोन में वाई व्हीकल नहीं थी, वो एक ही व्हीकल थे उनके पास, तो उनका गेट कीप इधर टीम स्टॉर्म कर सकती है अगर उनका ध्यान पीछे की ओर चला जाए तो, क्योंकि टीम सोच पीछे ही से आ रही है उनके विदाउट एनी व्हीकल। एग्री इधर से एक बग्गी से ही जा रहे हैं, रोटेशन डाल रहे हैं, उन्हें उधर एक व्हीकल ज़रूर नज़र आई होगी जिसके चलते उन्होंने थोड़ी लोकेशन दी होगी। फिलहाल अपने प्लेयर्स को ला रहे हैं वो धीरे धीरे करके जोन में, या पर्थ एंड ओरू ऑलरेडी आउट ऑफ द जोन है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है टीम सोस को, इतना जोन का डैमेज लेना तो यहाँ पे हीलिंग्स की कमी नज़र आती ही है। देन अभी अजीत जोन में है 3 फर्स्ट एड 3 बैंडेजेस के साथ, एंडोरू 4 फर्स्ट एडिस के साथ हैं, तो एक अच्छी लेन, लेकिन पर्थ को डाउन किया गया है इधर। पर्थ वाई इधर रोटेशन पकड़े गए हैं, एक रोटेशन डल रहा था जो उनकी टीम की ओर से, 71 मीटर दूर हैं जोन से, रिवाइव होंगे तो वो जोन के अंदर होंगे, वरना फिनिश ऑफ देखने को मिलेंगे। एग्री ने टाची को डाउन किया है, इसके चलते ये रिवाइव अप हो सकते हैं, अगर यहाँ पर डोरू आ सकते हैं आई थिंक उनको रिवाइव अप देने के लिए। टीम स्टॉर्म के प्लेयर अपने प्लेयर को रिवाइव देने में बिजी हुए हैं, तो इसके चलते डोरू बिल्कुल उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्थ की ओर जा चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर डलता हुआ यहाँ पर एक स्प्रे, देन वो स्प्रे उनका डलता हुआ, अभी भी वो चाहें तो एक अभी मौका है पर्थ का इजी रिवाइव अप होने का, लेकिन ये जोन जो क्लोज इन हो जाएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। देन अभी पर्थ रिवाइव होते कि नहीं ये देखने को मिलता है हमें चंद ही लम्हों में। ये फर्स्ट एड ओपन करते हुए फिलहाल डोरू इधर, क्योंकि डोरू नहीं चाहेंगे वो अपनी टीम को इतनी बैकवर्ड सिचुएशन में डाल दें। पर्थ फिलहाल रिवाइव हो रहे हैं, देखना चाहूँगा मैं यहाँ पर सेक्सी बाबा क्लो के एक्सपर्ट को डाउन करते हुए पर्थ यहाँ पर रिवाइव अप हो जाएंगे। हील अप देखते जल्दी से वो करेंगे, टीम बीबी से एक फाइटिंग है जो थी वो टीम क्लो की, टीम क्लो के हेंट एंड बाबा दो एक अच्छे तरीके से फाइट ले रहे थे। टीम बीबी के प्लेयर्स को डाउन भी किया था उन्होंने 2 प्लेयर्स को, लेकिन बाकी के 2 प्लेयर क्रेशर एंड बबीता जी, इस बार बबीता जी के 2 किल्स होते हुए एंड वो एक अच्छी तरीके से फाइट निकालते हुए 5 किल्स हो चुके हैं उनके। अब फिलहाल टीम बीबी के 2 प्लेयर्स टीम क्लो के फिनिश ऑफ कर दिए हैं, वो पूरा जोन शिफ्ट होता हुआ टीम वैनम की ड्रॉप लोकेशन पे, जो बहुत ज़्यादा मदद देने वाली है टीम वैनम को, क्योंकि एयर ड्रॉप भी उन्होंने मंगा कर रखा है। यहाँ पर टीम रेज के गोड जो सोलो है वो थर्ड पार्टी में किल लेने के लिए टीम स्टॉर्म के ज़्यादा क्लोज आ गया है। आदित्य ने आई थिंक उनको, जी नहीं अभी आदित्य ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, शायद पीछे से अप साउंड आ चुका है आदित्य को गोड रेज के प्लेयर का। एक ग्रेनेड भी उधर वहाँ पे एक ग्रेनेड करना चाहा था रेज के गोड ने। टीम स्टॉर्म के प्लेयर्स टीम सोस के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, एग्री बैठे हुए हैं। पर्थ बाय जोन स्मोक के थ्रो इधर रोटेशन डालें, सामने रेज गोड भी उनके आएंगे
थोड़ा उनकी ओर भी ध्यान देना होगा रिच रिसोर्स के पर्थ को। एंड डोरू भी उसी साइड से रोटेशन डाल रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल जैसे मैंने बोला था, रेज गॉड उधर फाइटिंग कर चुके हैं स्टॉर्म के प्लेयर के ऊपर, स्टॉर्म के एक प्लेयर डाउन करते हुए आदित्य को, एंड रेज गॉड फिनिश ऑफ हो चुके हैं, टीम स्टॉर्म का एक प्लेयर डाउन है। अगर सोर्स टीम यहाँ से अच्छे तरीके से किल फील्ड रीड करती तो शायद यहाँ पर पुशिंग देखने को मिलता हमें, टीम ओपी के, टीम बी बी, टीम आर के प्लेयर्स भी अभी अनस चौहान डाउन पड़े हुए हैं, टीम बीबी से ये फाइटिंग है जो रही है, टीम बीबी के प्लेयर्स उनको फिनिश ऑफ करते हुए, सेक्सी बाबा अकेले बस यहाँ पे फिनिश ऑफ हुए हैं जी हाँ। टीम इधर से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी टीम जी हाँ, बिल्कुल रेड क्रॉस की टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ी हुई है, तीन प्लेयर डाउन पड़े हुए थे इनके, नीचे टीम बीबी थी, एंड बादशाह यहाँ पे, आशीष तो ऑलरेडी आउट ऑफ द जोन है, एंड बाकी ये प्लेयर्स यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं। टीम बीबी के प्लेयर्स भी इधर से टीम होप के प्लेयर्स आए थे बॉल पे बोल रहे हैं, इधर टीम रेड क्रॉस के प्लेयर्स निकलते हुए एक फाइटिंग एज होती है, इधर से टीम सोस ने जो टीम स्टॉर्म से ये फाइट ली थी वो बहुत अच्छी तरीके से निकालते, डोरू ने यहाँ पे बहुत ही ओपी गेम प्ले दिखाया था, चार किल्स यहाँ पे, दो किल्स डोरू ने, एक किल पर्थ ने यूजी से निकाला है टीम स्टॉर्म के ऊपर। यहाँ पे टीम होप के प्लेयर्स लगातार ऑल पे बोल रहे हैं भाई, रोबिन हुड को गाइड कर रहे हैं भाई प्लीज़ ऑल पे कोई करके आफ्टर डेथ ऑल पे माइक करके ना बोला करें, आप से विनती है। 10 टीम्स बचती हैं, 33 प्लेयर्स बचते हैं, अभी जो हमारा कट क्लोज होना स्टार्ट हो गया है जो नंबर 4 जल्दी ही नज़र आएगा हमें, टीम सी एच बी के प्लेयर भाई एज खेल रहे हैं जो कि उनके सामने यहाँ पर 2 मैन स्क्वाड है, टीम भांगी उनके आगे हैं, यह पूरा जोन बनता हुआ उधर, पूरा जोन बनता हुआ फार्म के एरिए में, यहाँ पर टीम भांगी के प्लेयर टीम सी एच बी के प्लेयर के ऊपर स्प्रे डाउन करते हुए, क्योंकि वहाँ से निकले लेने वो भी अपनी व्हीकल लेके निकले थे। टीम भांगी के प्लेयर्स भी अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जोन से बाहर हो चुके हैं तो उनको जोन में रोटेशन डालना होगा। टीम वेनम के प्लेयर एक स्क्वाड हाउस होल्ड कर रखा है उन्होंने, आई प्लीज़ बंद कर लो भाई इस कॉल को यार, समझा दिया फिर भी। टीम माफिया के प्लेयर्स उनके काफ़ी करीब आके एक जगह होल्ड करे हुए हैं, माफिया का पूरा स्क्वाड यहाँ पे, 2 प्लेयर्स यहाँ पे हैं स्प्रिट में हैं, डेड शॉट एंड कशाब 2 प्लेयर्स यहाँ पे हैं, सी एच बी के प्लेयर्स को मियाँ और सेक्सी ने इधर एक प्लेयर को फिनिश ऑफ कर दिया है, वाई व्हीकल डिस्ट्रॉय एफ वो पी जी ए भी एक वाई वोटर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, अभी फिलहाल बोट के सहारे था वो, बोट के सहारे अभी बैठा हुआ है, पूरी बोट भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इस बोट को उधर डैमेज कर कर ही टीम भांगे के प्लेयर्स ने वो किल उठाया है, देन वो अब जोन में रोटेशन डालेंगे। टीम टू लीड के प्लेयर भी जोन में आ चुके हैं वाई ब्रिज, एंड वो एक ऐसे खेल रहे हैं, टीम 32 प्लेयर्स बचते हैं, टीम टी डब्ल्यू, टीम टू लीड, टीम माफिया, टीम वैनम, टीम टीम सोस एंड टीम बीबी, टीम भांगी ये बचती हैं, और बाकी सोलो सोलो प्लेयर 2 टीम के बचते हैं, टीम होप एंड टीम सी एच बी के भी बचते हैं, इधर से टीम सोस भी इधर एक रोटेशन डालती हुई आई है उन्हीं कंपाउंड जहाँ पे मौजूद है, टीम माफिया के 2 मैन स्क्वाड एंड टीम रेड की उसका 3 मैन स्क्वाड, टीम सोस के अजीत का ये ग्रेनेड ओपी ग्रेनेड नबील को बहुत ज़्यादा लो किया है, 10 HP छोड़ा है, टीम वैनम के प्लेयर्स टीम बीबी से फाइटिंग एज करते हुए, दैन सारी की सारी टीम्स हमें अपनी स्क्रीन पर इधर ही नज़र आएंगी, यहाँ से टीम रेड क्रॉस सोस माफिया वैनम बीबी एंड पीछे हमें टू लीड भी नज़र आ रही थी, तो टीम TW और टीम TW एंड भांगी ही नज़र नहीं आ रही है, बाकी सारी हमें सोलो प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल सारी टीम्स इसी एक एरिया के अंदर मौजूद हैं। टीम में भी थोड़ा पीछे की ओर गई है एक डॉप लोड करने के लिए, सोस डोरू का ये यहाँ पे मिनी 14 बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हुए सोस डोरू क्या पुश इन करेंगे, इधर से नेक्स्ट कौन को गोडाउन किया है, अनुज बहुत ज़्यादा लो कर दिए हैं, डोरू की मिनी 14 बहुत अच्छा काम करती हुई, ये ग्रेनेड बहुत अच्छा काम करने वाला है इनके लिए, एग्री पुश इन कर चुके हैं, ये ग्रेनेड का वेट करेंगे वो फटने का, जी हाँ अनुज को ये डैमेज पड़ता हुआ, अनुज नीचे 1 HP है अनुज, यहाँ वो ग्रेनेड अनुज का खुद के ही प्लेयर को फिनिश ऑफ करता हुआ, वो किल जरूर इधर डोरू को मिलेगा, अनुज जो लो थे उसको नॉक किया है एग्री ने एंड फिनिश ऑफ भी कर देंगे, एंड पास में ही जो टीम इधर रेड क्रॉस थी वो एक फाइटिंग एज की है, यहाँ पर्थ पे थोड़ा डैमेज दिया था नबील ने, इधर से टीम रेड क्रॉस अब फाइटिंग एज करेगी, टीम सोच शायद यहाँ सोचे इधर 2 प्लेयर्स हैं लेकिन उनके 2 प्लेयर्स स्प्लिट में जो है फिर क्या अलग हैं, ये 3 प्लेयर्स हैं टीम रेड क्रॉस के, एंड पीछे टीम टू लेट एंड टीम भांगी नज़र आ रही है वो फाइटिंग एज हो सकती है उनकी, ये ड्रॉप
लालच भरा ड्रॉप जो वैनम की गोदी में गिरता हुआ टीम माफिया के प्लेयर्स उसको नहीं देखना चाहेंगे इतनी आसानी से लूटना। 10 टीम सभी भी बचती हैं हमारी, TW इन फाइट्स से दूर। CHBA पर बॉबी को बहुत ज़्यादा डाउन का डैमेज पड़ रहा है, आई थिंक जोन से फिनिश ऑफ हो सकते हैं। रॉबिन हुड भी टीम होप के, टीम CHBA के अपूर बॉबी फिर जोन से फिनिश ऑफ होते हुए। एंड यस को टू लीड के प्लेयर को टीम भांगी के प्लेयर डाउन करते हुए, टीम भांगी के प्लेयर्स ओम का एक अच्छा इस्तेमाल है, ओम चलाते हुए TW के ऊपर ये फाइट इंगेज कर रहे हैं। एंड टीम टू लीड के प्लेयर से भी फाइट चल रही है, इनके काक्रोता जगह एंड जैक्सन बचते हैं दो प्लेयर्स, वो पहले अर्ली रोटेशन जोन में डालना चाहते हैं। बिल्कुल एक सही सिचुएशन या यहाँ पर पुश देखने को भी मिल सकता है। रॉबिन हुड भी फ्रेम से जाते हुए टीम होप के प्लेयर एंड यहाँ पर टू लीड के प्लेयर के ऊपर जो स्प्रे डाउन हुआ है, जैक्सन बहुत ज़्यादा लो किए गए हैं, बोमियार सेक्सी उन्हें डाउन करेंगे एंड ककरोता जे आर अकेले बचते हैं, वो अब अपने आप को हील करेंगे। फिलहाल बचे हुए हैं टीम TW भी 4 किल्स ले चुकी है, एक स्टार्टिंग में ही फाइट ली थी, देन वो भी जोन में डालेगी रोटेशन क्योंकि जोन हमारा 1 मिनट बाद क्लोजिंग होने स्टार्ट हो जाएगा जिसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। टीम वैनम के प्लेयर्स भी कुछ प्लेयर हमें जोन में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि स्क्वाड हाउस आई थिंक जोन में नहीं है। टीम भांगी के प्लेयर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे उधर से जैक्सन को बचने देना क्योंकि जैक्सन को ऑलरेडी डाउन पड़ा हुआ है, उनका ककरोता जे आर अकेला बचा हुआ है, वो रिवाइव दे देगा क्योंकि टीम भांगी के प्लेयर्स एक किल के लिए नहीं चाहते वो वहाँ से अपना गेम प्ले ख़राब करना। दैन वो जिन कंपाउंड जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी टीम्स मौजूद, दो टीम्स ऑलरेडी मौजूद है जिनकी फाइट लगातार चल रही है एंड वो टीम्स उन्हें आने भी देना नहीं चाहती, अपने कंपाउंड्स बिल्कुल नहीं आने देती जाती थी। लेकिन वो जिधर जाएंगे यहाँ पर नॉर्थ रिमेंबर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। 88 नंबर 1 को टीम भांगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस सकती है क्योंकि लेट रोटेशन और मिड ऑफ द जोन डालोगे तो यही होने वाला है, हर टीम उनको मारेगी। टीम TW वो चीज़ करी है, टीम भांगी वो चीज़ करी है। वैनम के फैजान ने डेड शॉट को डाउन किया अपनी AKM से, नबील ने भी डाउन किया था उधर TW का प्लेयर एंड टीम 88 नंबर 1 को भी नबील ने डाउन किया था। टीम TW का ब्लिजर्ड यहाँ पर डाउन हुआ है, एक एज उन्हें मिल गया है फिलहाल खेलने के लिए, ब्लिजर्ड ज़रूर फिनिश ऑफ होगा, उसको फिनिश ऑफ करेगा उसका एग्री। टीम TW के 3 प्लेयर्स बचते हैं, एक रिस से खेल रहे हैं फिलहाल प्रतिस्पर्धी के मेयर सेक्सी नॉर्थ मेंबर्स, तीनों ही प्लेयर्स अलग अलग वाई स्मोक्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो। टीम टू लीड के प्लेयर भी डोमेन स्क्वाड के साथ जो ये आए हैं ओपन जोन बिल्कुल मिड ऑफ द जोन का करो तो JR की इतनी डैमेज भी कल है यहाँ पे, ये फिनिश ऑफ देखने को मिलेगी हमें BB की ओर से, ये किल BB के प्लेयर्स वैनम का प्लेयर लेके जाएगा हंटर, पपीता जी हंटर को डाउन करते हुए। इधर जैक्सन जो यहाँ टीम BB को किल्स दे सकते हैं अगर वो स्प्रे डाउन करें तो, जी हाँ बिल्कुल उनकी गोदी में आगे गिरेंगे जैक्सन, टीम BB को ये मिलेगा उनका किल। टीम BB के प्लेयर्स एक अच्छे किल्स लेते हुए, सोस के प्लेयर्स भी टीम TW के ऊपर पूरा पहाड़ भर के बरस रहे हैं। टीम BB टीम सोस माफिया कसाब ने मेयर सेक्सी को अपनी व्हीकल से डैमेज किया है, माफिया कसाब उधर किल कंफर्म करने के लिए रुके हैं। DP28 के वन टैप शॉट चल रहे हैं उनके ऊपर, 17-20 प्लेयर्स बचते हैं एंड टीम वैनम को जोन में आना बाकी। टीम सोस के ऊपर बहुत अच्छा जोन बना हुआ है, सोस के प्लेयर्स एक अच्छा होल्ड भी करे हुए हैं, टीम BB के प्लेयर्स भी वहाँ से रोटेशन डालना चाहेंगे लेकिन वैनम के सहजी बिल्कुल नहीं आने देंगे। BB ड्रैकला को डाउन किया है उन्होंने एंड जोन के, या जी हाँ बिल्कुल उनके ऊपर पुशिंग देखने को मिला है वैनम के सैजी का, यहाँ पर पूरा एक पुश देखने को मिला वैनम के सैजी की ओर से, बग्गी उनकी घूमती हुई उनको भी हर तरफ से पड़ने वाली है। इधर बिल्कुल यहाँ बग्गी का कवर भी खत्म होता हुआ, बबीता जी सामने हैं उनके, टीम BB के प्लेयर्स के ऊपर ये चार्जिंग हुआ है। क्रशन ने फिजान को डाउन किया था, फिजान जो अकेले बचे हुए क्रशर डाउन कर चुके हैं, सैजी को भी क्रशर डाउन कर चुके हैं, नबील को अजीत ने डाउन किया था एंड टीम इधर से टीम वैनम बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है क्योंकि साथ अकेला बचा हुआ है, हंटर ऑलरेडी डाउन पड़ा हुआ है, साथ हील करके अपने प्लेयर को ये वापस दे सकता है। लेकिन यह टीम सोस जो बिल्कुल चार्जिंग करती हुई नजर आएगी, टीम रेड क्रॉस के ऊपर आयरन मैन ने अजीत को डाउन किया लेकिन पर्थ का एक OP कवर मिलता हुआ उनको, बस साहब अकेला बचा हुआ है उस टीम के लिए। पूरी टीम सोस यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड के साथ अभी बची हुई है, बादशाह के ऊपर चार्जिंग करती हुई नजर आएगी। 1v3 सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। MK14 यहाँ पर रिलोड पे जैसे आएगी, पर्थ यहाँ पे एंटर करेगा और फिनिश ऑफ करेगा टीम सोस। OP गेम प्ले 12 किल्स होते हुए अजीत जोनों के वो रिवाइव अप हो जाएगा। नॉर्थ रिमेंबर सोलो प्लेयर इधर आया है, जोन से डैमेज टीम माफिया ले रही है। टीम वैनम की सैजी को बचाने की कोशिश अभी भी की जाएगी, फिलहाल अभी साध एंड हंटर रिवाइव अप हो चुके हैं एंड टीम BB के ऊपर आते हुए बबीता जी लेफ्ट से आती है, उन्होंने नॉक किया है साथ को। क्रशर इस बार रश करेगा, हंटर को पहले हील करना चाहिए, इधर क्रशर आ चुका है हंटर को, क्या इधर फर्स्ट एड पोपिन अभी तक नहीं की गई, जी हाँ बिल्कुल कर ली गई है एंड ग्रोजर चला दी गई है। क्रशर को भी डाउन करता हुआ हंटर,
अब उसके पास हीलिंग नहीं है जिसकी गलती, यहाँ पर टीम माफिया के कसाब थर्ड पार्टी करता हुआ एंड टीम बीबी के ऊपर बबीता जी को भी डाउन करता हुआ, टीम बीबी के ड्रैकुला बसे हुआ है, बीबी अपनी टीम के लिए सोलो सर्वाइवल, पीछे टीम सोच तो आगे लगा रखी है इस टीम ने, टीम टी डब्ल्यू भी स्टार्टिंग बहुत अच्छा सर्वाइवल देख रहा हूँ, टीम टी डब्ल्यू की ओर से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसी, सोच के अजीत को डाउन करेंगे पीछे से टी डब्ल्यू प्रिंस ओ पी एंड इस फाइट में आते हुए वो टीम सोच के साथ 3v2 फाइट अभी भी उनकी है तो इतना ज़्यादा नहीं है, अजीत रिवाइव भी हो सकते हैं उनके पास मौका है, बट रेगुलर क्रशर को रिवाइव अब नहीं दे सकते, माफिया का साहब उनका किल जरूर लेना चाहेंगे, 5 टीम 10 प्लेयर्स बचते हैं, 4v2v 2v1v1 है फिलहाल, क्रशर रिवाइव जब नॉक फिनिश जब तक नहीं होते हैं फिनिश। डोरू का यहाँ पे एक ओपी पीक देखने को मिला, टी डब्ल्यू प्रिंस ओपी को डाउन कर दिया है, जोकर ओपी अब अकेला बचा हुआ टीम टी डब्ल्यू का, पीछे एक एम से स्पोर्ट दे चुका है माफिया का सब की मोली, क्रशर का किल भी लेती हुई जो डाउन किया था वैनम के हंटर ने, यहाँ पे जोकर का किल देखते हैं कब तक टीम सोस नहीं लेती है टी डब्ल्यू के जोकर के ऊपर, पीछे से ये क्लियर टीम सोस कर ले, ये वाला हमारे इस हमारा ये वाला राउंड अगर ये क्लियर कर ले तो बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे नंबर एडवांटेज के साथ खेलना हो जाएगा टीम सोस का, जहाँ डोरू ने जो नॉक किया था प्रिंस ओपी को उसको फिनिश ओपी करते हुए M4 से, मेरे हिसाब से यहाँ पर डोरू को कवर फायर देने के लिए एक प्लेयर ज़रूर आना चाहिए टीम सोस का, क्योंकि 2-2 की स्प्लिट में एक अच्छा प्लेयर रहता है, 1 प्लेयर अगर उनका नॉक हो जाए तो वो फिनिश ओप के साथ में जाता है एंड उसके चलते टीम टी डब्ल्यू का प्लेयर जोन में भी आ जाएगा, जोन क्लोज इन होता है ये डैमेज डालेगा आप टीम माफिया के प्लेयर्स को, टीम ओपी के प्लेयर सोच के पर माफिया का सांप को इधर व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके किल लेते हुए टी डब्ल्यू जोकर ओपी धीरे धीरे कर कर वाइट जोन में अपने प्रोन होकर प्रोन डाउन हुए हुए हैं, पूरा जोन में आने जाते हैं इधर पूरा ओपन से, अब यहाँ पे एक भाग के वाई रिजिस के का सहारे इधर बैठने वाले हैं, यहाँ बिल्कुल नॉर्थ रिमेंबर ने डाउन कर दिया लेकिन एग्री को नॉर्थ रिमेंबर इधर गिरोजा से अजीत को भी डाउन कर चुका है, गिरोजा से वो किल अपना कन्फर्म करा अजीत का लेकिन पर्थ ने उसको फिनिश ऑफ कर दिया है, एक प्लेयर ऑलरेडी उनका डाउन पड़ा हुआ है, टीम बीबी का ड्रैकला अब अकेला बचता हुआ, पीछे से टीम टी डब्ल्यू के प्लेयर्स को भी फिनिश ऑफ कर दिया गया जो सोलो बच्चा हुआ था, देन टीम सोर्स 1v3 सिचुएशन 16 किल्स, आज क्या ही डिस्ट्रक्शन रहा है इस टीम का, टीम सोच के डोरू पर्थ एग्री एंड अजीत ओपी एम प्ले चारों ही प्लेयर्स का, डोरू एंड पर्थ के 7 एंड 6 किल्स हैं, लास्ट किल देखते हैं यहाँ पे एग्री लेता है, पर्थ इक्वल करता है डोरू एंड डोरू के ये किल एंड टीम बीबी के ड्रैकला के ऊपर यहाँ पे जोन है तो उसका एक फ़ायदा मिल सकता है उसको, जी नहीं दोनों ही टीम के पास जोन नहीं है तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या, यहाँ पे 1v3 है तो नंबर एडवांटेज से यहाँ पे टीम सोच की ओर ही जाता है ये गेम, लेकिन यहाँ पे जोन एडवांटेज दोनों ही टीम्स के पास नहीं है, एक हील बैटल के लिए जाए तो बेहतर होगा टीम सोच के लिए, यहाँ 4 फर्स्ट एड के पास है, 1 फर्स्ट एड डोरू के पास है एंड एग्री के पास भी 4 फर्स्ट एड्स हैं इधर, यहाँ आई थिंक एग्री जाएगा वो इधर से हमारा जी नहीं वो जोन में आ चुके हैं तो हील बैटल का रिस्क लेने की उन्हें ज़रूरत है नहीं, ड्रैकला जा रहे हैं इधर हील बैटल के लिए, ड्रैकला के पास एक ही फर्स्ट एड थी तो वो अपना किल यहाँ पर नहीं देना चाहते अपोनेंट को, ये भी एक अच्छा गेम प्ले है, सोस को वो किल नहीं देना चाहते, चिकन डिनर सोस के खाते में जाता हुआ किल नहीं जाएगा, टीम बी भी बहुत ही अच्छा खेली आज 12 किल्स निकाले थे उस टीम ने भी, टीम सोस ओ पी चिकन डिनर विद 16 किल्स के साथ चिकन डिनर लिया टीम सोस ने, टीम भी आती हुई सेकेंड पोजीशन ओपी गेम प्ले इस टीम का 12 किल्स के साथ बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत मुश्किल में टीम वैनम को डाला था वरना टीम वैनम भी आज अच्छा स्पोर्ट लेती आज, लेकिन टीम बांगी के प्लेयर का क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा इधर से गेम प्ले नॉर्थ रिमेंबर करा, 3 किल्स भी निकाले अपने टीम के लिए, लास्ट टाइम तक सर्वाइव किया इस प्लेयर ने, टीम टी डब्ल्यू को भी बहुत अच्छी गेम प्ले इसका टीम करा है उसने भी, पूरी टीम ने एक क्वालीफाइड निकाल के बहुत अच्छा सर्वाइव किया, लास्ट टाइम पर आ गए यहाँ पर जोन इसके अंदर थोड़ा सा होता है वो जोन में रोटेशन के टाइम उन्हें ऑफगार्ड पकड़ा गया एंड टीम माफिया के प्लेयर माफिया का साहब ने अपने अकेले प्लेयर ने 4 किल्स निकाले, अकेला टीम के लिए 5th टॉप 5 में लेके जाता हुआ टीम वैनम आती है 6th पोजीशन बाय 5 किल्स, देन टीम रेड क्रॉस एंड हमारे बाकी के स्टैट्स,